शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मधुरिमा पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रही हूँ। जानकारी ये है कि हमें गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या वो कार्य है जो हमें गुरुवार के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों कोई भी कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए था, हम धर्म में आस्था रखते हैं, जानबूझकर नहीं करते, लेकिन अगर जाने अनजाने में भी हमसे इस तरह की गलतियां हो जाती है तो हमें इसका नुकसान जरूर होता है। दोस्तों गुरुवार का दिन ऐसा माना जाता है कि धर्म के लिहाज से हफ्ते में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि ये दिन है देवों के गुरु बृहस्पति देव का और भगवान श्री हरि विष्णु जी का। इस दिन हम इन्हीं दोनों की विशेष पूजा आराधना करते हैं। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में गुरु अगर सही है, सुदृढ़ है, शक्तिशाली है, तो जीवन में हमें हर तरह की तरक्की ही मिलेगी। लेकिन अगर गुरु ग्रह कमजोर है तो उसकी वजह से जीवन में बहुत तरह की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। जिन महिलाओं की कुंडली में अगर विवाह में देरी हो रही है तो आप वैसे भी समझ जाइए कि जरूर कुछ न कुछ परेशानी गुरु ग्रह को लेकर है। ऐसे में हम यही सलाह देते हैं कि गुरु को मजबूत करने के लिए कन्याओं को उपाय जरूर करने चाहिए। तो अगर हम बात महिलाओं की करें तो गुरु ग्रह उनके विवाह के कारक हो जाते हैं और शादी के बाद भी जो एक सफल दाम्पत्य जीवन की चाह रखती हैं वो पूर्ण तभी होती है जब गुरु ग्रह अगर उनका मजबूत स्थिति में हो। महिलाओं को अच्छे घर, अच्छे वर की प्राप्ति होती है, अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। अगर गुरु ग्रह साथ दे तो, मजबूत रहे कुंडली में, तो आपको अच्छे वर और अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। अगर गुरु ग्रह मजबूत नहीं है तो कन्याओं की शादी में दिक्कत होगी। शादी अगर हो भी जाती है तो सफल दाम्पत्य जीवन नहीं बिता पाएंगी। उसके बाद संतान होने में दिक्कतें आएंगी, पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती। इस तरह की तमाम समस्याएं जीवन में रहती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि देव गुरु होने के नाते बृहस्पति धर्म और शिक्षा के कारक है और इनके कमजोर होने से शिक्षा में सफलता और धार्मिक कार्यों में रुचि कम हो जाती है। इसीलिए आपको गुरुवार के दिन विशेष कर कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए। अगर शास्त्रों की माने तो इस दिन गुरुवार के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। खास तौर पर दोस्तों सुहागन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति पति और संतान के कारक होते हैं और अगर गुरु ग्रह खराब होता है तो पति और संतान पर संकट आ सकते हैं। इसीलिए गुरुवार के दिन बाल धोना ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति को कमजोर करता है और उनके शुभ फलों में कमी लाता है। और इसीलिए दोस्तों आपको वीरवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। खास तौर पर सुहागन महिलाओं को दोस्तों शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीव कहा गया है, अर्थात जीवन, और जीवन से अर्थ है आयु। बृहस्पतिवार के दिन नाखून काटने और शेविंग करने से भी बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, जिसका जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है और साथ ही व्यक्ति की आयु पर भी इसका असर पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, महिला हो, कन्या हो, कोई भी हो, इन कार्यों से सभी को बचना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का प्रभाव हम सभी के शरीर पर उसी प्रकार से पड़ रहा है। देखिए अगर जन्म कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है तो सीधा सीधा असर होता है आपकी उन्नति और तरक्की पे। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको खुद उन्नति तरक्की मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ बताई गई गलतियाँ गुरुवार के दिन करते हैं तो गुरु ग्रह कमजोर होता है और इसका दुष्परिणाम हमारे जीवन में हमें झेलना पड़ता है। अगर हम नौकरी पेशा है तब हमें झेलना पड़ेगा, अगर हम स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के कार्य अगर हम करते हैं, गलतियाँ गुरुवार के दिन करते हैं, तो उसका असर भी आपके जीवन पर जरूर होगा। अगर शादीशुदा महिला है, दाम्पत्य जीवन पर उसका असर पड़ता है, तो आपको इन चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। गुरुवार को ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों को अगर करते हैं तो इससे धन की वृद्धि भी रुक जाती है और धन लाभ के बजाय धन की हानि होने लगती है। तो दोस्तों ये जो कुछ कार्य है ये गुरुवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी जानना है कि गुरुवार के दिन हमें क्या वो कार्य है जो जरूर करने चाहिए ताकि हमारा गुरु ग्रह मजबूत हो और साथ ही दोस्तों श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी हमें प्राप्त हो। इस दिन भगवान की पूजा आराधना अगर आप करते हैं, बृहस्पतिवार गुरुवार का व्रत करते हैं, तो आप भगवान को भोग जो लगाएं वो पीला लगाएं, भगवान को जो वस्त्र अर्पित करें वो पीला अर्पित करें। इस दिन अगर आप दान करते हैं तो वो भी आपको पीले रंग का ही करना चाहिए। इस दिन
परिवार के साथ पीले चने की सपरिवार आप दाल खाए दोस्तों, ऐसा करने से एक तो दाम्पत्य जीवन जो पति पत्नी है उनके रिश्ते में सुधार आता है और जो पारिवारिक माहौल है वो हमेशा खुशनुमा रहता है। गुरु बृहस्पति की भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। गुरुवार के दिन अगर घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं, सरसों का दाना खाकर जरूर निकलें, ऐसा करने से माना जाता है ये शगुन होता है और जिस भी कार्य में आप जाएंगे वो कार्य आपका जरूर सफल होगा। दोस्तों गुरुवार के दिन अगर आप कर सके तो पीले वस्त्र का उपयोग ही करें। अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है या आपकी अच्छे घर अच्छे वर की कामना है तो ऐसे में नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर आपको गुरुवार के दिन नहाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही जल्द विवाह के योग बनते हैं और जहाँ भी आपकी शादी होती है दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा गुजरता है और अच्छे घर वर की आपको प्राप्ति होती है, तो ऐसा आपको गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों जो लोग नौकरी पेशा में हैं या फिर व्यवसाय में हैं उनके लिए गुरुवार के दिन जब आप व्यवसाय पर या जब आप नौकरी के लिए जाएं तो सरसों का दाना जरूर खाकर जाएं, पीले रंग के वस्त्र आप धारण करें। इस दिन महिलाओं को भी सुबह सुबह आपको गुरुवार के दिन हल्दी का तिलक जरूर लगाना चाहिए दोस्तों, इससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। घर के सभी सदस्यों को वैसे तो हल्दी का तिलक लगाना चाहिए लेकिन घर की महिलाओं को खास गुरुवार के दिन सुबह के समय नहाने के बाद ये काम जरूर कर लेना चाहिए। इस दिन आपको भगवान को भी हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। वैसे तो आप रोली का तिलक लगाते हैं लेकिन गुरुवार के दिन आप पूजा के समय हल्दी का तिलक लगाएं देवी देवताओं को। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस दिन नाभि पर भी आपको हल्दी का तिलक जरूर करना चाहिए। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन दोस्तों आप सोच कर देखिए, आप अपनी नाभि पर जब सरसों का तेल लगाते हैं तो आपकी होंठ फटने की समस्या खत्म हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है, सारा शरीर जो है आपकी प्राप्त करता है ऊर्जा नाभि से, तो इसीलिए आपको इस दिन हल्दी अपनी नाभि पर जरूर लगानी चाहिए। हफ्ते में एक दिन आप ये काम करें। रोजाना आप चाहें तो आप अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगाइए। माना जाता है कि इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, ऐसे घर में स्थायी रूप से वास करती है। तो आप रोजाना सरसों का तेल या आप चाहें तो नारियल तेल भी लगा सकते हैं, सरसों का तेल ज्यादा उत्तम रहता है। लेकिन गुरुवार के दिन तो आप खास अपनी नाभि पर हल्दी का प्रयोग जरूर करें, इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव के लिए वास करेगी। क्योंकि दोस्तों इससे श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं और जिस घर पर विष्णु जी प्रसन्न होते हैं माँ लक्ष्मी वहाँ पर जरूर जरूर वास करती है। गुरुवार के दिन आप खीर बनाकर उसमें थोड़ा केसर डालकर पीला कर ले और वो आप किसी गरीब को दान करें। इस दिन अगर आपको अपने लिए कुछ अच्छा खरीदना है, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उसकी आप शुरुआत कर सकते हैं, आप घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना चाहते हैं, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए जो भी चीजें आप खरीदना चाहते हैं इस दिन जरूर खरीदें। आप सोना खरीदना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन खरीदना उत्तम रहता है। अगर आप घर में कपड़े भी खरीदना चाहते हैं तो गुरुवार का दिन आप इसके लिए चयन करें। इस दिन आप जीवन में जो भी चीज लेकर आते हैं वो आपके जीवन में शुभता ही लेकर आती है। गुरुवार के दिन अगर कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, जैसा कि आप कोई दुकान या उद्घाटन बहुत टाइम से नहीं कर रहे थे, तो बहुत ही शुभ रहता है गुरुवार के दिन आप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है, पूरे घर के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये थी गुरुवार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हमने आपको बताया कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए और कौन से वो कार्य है जो गुरुवार के दिन आपको जरूर जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।